वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अंसारी, आप सभी लोगों का शाहरुख खान की फिल्म जवान के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा वाह, द बेस्ट कैप्ट सीक्रेट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा इज फाइनली रिवील्ड। पिछले एक हफ्ते से जो पूरा का पूरा रिलीज डेट का यहाँ पर सिलसिला चल रहा है, दिस हैज केप्ट एवरीवन ऑन द हुक्स। सीरियसली, ये रिलीज डेट होगा, वो रिलीज डेट होगा, कभी खबर आती थी कि ये रिलीज डेट होगा, लेकिन शाहरुख खान ने पहले ही कहा था, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन, आई विल अनाउंस इट माई सेल्फ। यानी कि शाहरुख खान ने पहले ही कहा है कि जब तक मैं अनाउंस नहीं करता, किसी पर विश्वास नहीं कीजिए। मल्टीपल रिलीज डेट साइड देगा। इस पहले तो जवान जो है वो 2 जून 2023 में आने वाली थी, और सभी लोगों को पता है वी वर ऑल रेडी कि किस तरह से एक महीने का यहाँ पर पूरा का पूरा प्रमोशनल कैंपेन होगा, सारी सारी चीजें होंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली VFX के कारणवश एंड जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनके प्रोडक्शन हाउस के अंदर या फिर फिल्म को लेकर, वो चाहते होंगे कि हमको एक अच्छा प्रोडक्ट दे, वो सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पर उन्होंने डिस्कस की, एंड इसी का कारण है फिल्म जो है वो 2 जून 2023 को है वो रिलीज नहीं होने वाली। तो फर्स्ट न्यूज, जितने लोग जो है जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं या जिनको नहीं मालूम, जो सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं रहते हैं, सिर्फ वीडियोस देखते हैं, या फिर जिनको पता है, क्योंकि गाइस ग्राउंड लेवल पर जो लोग है ना, जो नॉर्मली सिनेमा घर जाते हैं, पोस्टर्स देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, उनके लिए जवान जो है वो 2 जून 2023 को आ रही है, वो बहुत ही बेचैन है। उनको लग रहा है कि अरे यार इतना लेट क्यों कर रहे हैं, टीजर नहीं, ट्रेलर नहीं, गाना नहीं। तो फॉर देम दिस ऑफिशियल अनाउंसमेंट इज वेरी नेसेसरी। कल ही मैंने बड़े में छोटे में एक एपिसोड में कहा था, एंड कल मैंने कमेंट्स पर रिप्लाई भी किया था कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑन इट्स वे। एंड गाइज, ये अनाउंसमेंट करना बहुत जरूरी है। अब शाहरुख खान ने अनाउंसमेंट की है तो पूरे दुनिया भर में खबर जाएगी, चाहे वो न्यूज हो, अखबार हो, सबको पता चल जाएगा कि जवान पहले तो 2 जून को नहीं आ रही है। तो 2 जून को जवान नहीं आने वाली है, उसके बाद खबरें आई, खबरें गर्म हुई कि जवान जो है आई थिंक 29 जून का जो डेट है वहां पर रिलीज होने वाली है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी फिल्में जो है वो वहां से आगे खसक गई है। तो पहला डेट जो आया था वो था 30 जून का। ओके, 30 जून को जो है जवान जो है वो रिलीज होने वाली है, 29 जून को जो भी है। उसके बाद खबरें आई कि जवान जो है वो सीधा जाने वाली है 11 अगस्त को, यानी कि इंडिपेंडेंस डे वीक जो है, जहां पर एनिमल है, गदर 2 है, तो उन फिल्मों को यहां पर खतरा होगा, जवान जा रही है। फिर बोला कि नहीं, जवान 11 को नहीं, अगस्त को नहीं आते हुए यहां पर जवान अब 25 अगस्त को रिलीज होने वाली है। पिछले एक हफ्ते से पूरा का पूरा रिलीज डेट का फियास्को था, लेकिन ऑल सरेंडर, जिनको पता है कि शाहरुख खान कैसे हैं, उनको जो चीजें पता है वो खबरें बाहर नहीं जाती, लेकिन कल रात तक सबको पता चली गया था कि जवान जो अब सितंबर में रिलीज होने वाली थी, आज सुबह होते होते आज कंफर्म भी हो गया था। लेकिन अब जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है, तब एक चैन राहत की सांस आई है कि यस, जवान इज कमिंग ऑन अ सेलेक्टेड डेट। तो जो डेट सेलेक्ट किया गया है जवान के रिलीज डेट के लिए, वो है द 7th of September 2023। अब गाइस, 7 सितंबर 2023, ये ट्रेडिशनल फ्राइडे ना होते हुए यहां पर थर्सडे का रिलीज डेट जो है वो चुना है। अब गाइस, इस दिन होने वाली है जन्माष्टमी, तो हॉलीडे है, उसके बाद ऑब्वियसली फ्राइडे है, सैटरडे एंड संडे है, काफी अच्छा दिन जो है यहाँ पर चुना गया है। 7 तारीख को फुकरे 3 है। नाउ आई डोंट सी एनी फिल्म क्लैशिंग विद जवान ओवर हियर, तो बहुत ही फ्री रन मिलेगा यहाँ पर। अगले हफ्ते योद्धा भी यहाँ लिखी हुई है, जो कि आई थिंक नहीं आएगी यहाँ पर। तो टिल सलार रिलीजेस, सलार 20th September 2023 को आने वाली है, तो अगर 7 से लेकर 14 से 21, आई थिंक 2 से 3 हफ्ते का एक फ्री रन यहाँ पर जवान को मिलते हुए दिखाई दे रहा है। बट व्हाट अ फर्स्ट लुक अनाउंसमेंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। काले बादल छाए हुए हैं आसमान में, बादल गरजता है, कड़कड़ाहट की आवाज आती है, एंड गाइस पीछे जो BGM बजता है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बहुत ही जबरदस्त BGM है। मैं काफी एक्साइटेड हूँ अनिरुद्ध रविचंद्र का जो BGM है उसको सुनने के लिए गए, लेकिन पूरा का पूरा जो BGM आया गया यहाँ पर एक छोटे से ग्लिम्स में, वो बहुत ही जबरदस्त लगता है। बादल गरजता है एंड वहां से शाहरुख खान आता है। तो गाइज, यहाँ पर पहला जो क्लिप आया था उसमें इतना क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही थी। प्रोड्यूस बाय गौरी खान है एंड एटली फिल्म है गाइज यहाँ पर, एंड उसके बाद दिखा गया है रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 7 सितंबर 2023 इन हिंदी,
तमिल एंड तेलुगु. सो दिस इज अ प्रॉपर पैन इंडिया फिल्म. लेकिन उसके बाद अभी अभी शाहरुख खान ने यहाँ पर एक प्रॉपर क्लीन क्रिस्टल क्लियर HD पोस्टर रिलीज किया है एंड दिस हैज टेकन द एक्साइटमेंट टू अनदर लेवल. पूरे के पूरे कपड़े में कहते हैं ना यहाँ पर जो बांधा हुआ है बैंडेजेस, तो बैंडेजेस खुलते हुए दिखाई दे रही है. हाथ में बड़ा सा रॉड है और रॉड में गाइस यहाँ पर छुरी जो रहती है वो रखी हुई है, सब करके शाहरुख खान फेंकते हैं वो छुरी. Absolute entertainment. This is going to be mass masala, you know, revenge, whatever the plot of this film is, complete action style. This is going to just create ripples in the cinema halls. And guys, face jo hai, yahan par kya kahun, mask pehna hua hai unhone, ya phir chehra jo hai completely kharab ho chuka hai. Ab wo kya hai, ye jab film aayegi to pata chalega. And aasman mein jump maarte hue, pura body bandages udte hue dikhai de raha hai. And piche badal garaj raha hai. Shahrukh Khan, Jawan, an Atli film produced by Gauri Khan, 7 September 2023. So guys, जवान की रिलीज डेट जो है वो यहाँ पर अब ऑफिशियल फाइनल हो गई है. सो गाइस 25 जनवरी को पठान आई थी, तो अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 7 मंथ्स के बाद शाहरुख खान आ रहे हैं. मुझे पता है आई एम वेरी अपसेट कि यू नो जवान जून में नहीं आ रही है. बहुत ही मेंटली हम प्रिपेयर हो चुके थे जवान के लिए जून में, लेकिन नॉट सेड एंड डन. हर फिल्म का एक निर्धारित समय होता है, एक निर्धारित टाइमलाइन होती है, एक किस्मत जो है आदमी की वो गाइज यहाँ पर जो निर्धारित समय है तभी आएगी गाइज. सो लेट्स सी गाइज, अब सितंबर में यहाँ पर जवान आने के बाद, तो पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर है, क्या दिसंबर में डंकी आती है या डंकी आगे पुश होती है, सारी सारी चीजें आने वाले समय में. बहुत सारी फिल्में हैं जिनके रिलीज डेट्स जो है आने वाले समय में चेंज होने वाले हैं. ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स पे ही हम यहाँ पर बात करने वाले. सो गाइज 7 सितंबर 2023 मार्क योर डेट्स, जवान है, जवान जो नया BGM आया, सुपर्ब. शाहरुख खान कमिंग टू रूल द बॉक्स ऑफिस वंस अगेन विद नॉट देन जवान. स्टे कूल मैन.